साथियों, विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने, जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का, इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गट है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक, देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं, तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। भारत को, यह आंकड़ा याद रखिए, भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया, तो 2 ट्रिलियन मार्ग भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका, हम 11 से 5 पर ले आए। अर्थव्यवस्था जब 11 नंबर पर थी, तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बन पाता था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो भारत का इंफ्रा बजट 11 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इसी वजह से आज गरीबों को 1 करोड़ घर बन रहे हैं, आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है, आज देश में रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, गांव तक की सड़कें बन रही हैं। जब भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आएगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए हमारे पास कितनी ज्यादा पूंजी होगी। इसलिए भारत के टॉप 3 इकोनॉमी में आने का मतलब है भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा, भारत के हर परिवार की आय
बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आधुनिक बनेगा। भारत में रोजगार के लिए नए सेक्टर खुलेंगे, रोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। भारत के युवाओं को भारत में ही फंडिंग के ज्यादा से ज्यादा अवसर आएंगे। भारत की महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। हमारे किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करेंगे, कृषि उत्पाद में वैल्यू एडिशन करेंगे। लोगों की जीवन बेहतर बनाने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन और आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद होगी।